बच्चों क्लास 10th की कला की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम शेडिंग वर्क सीख रहे थे। शेडिंग करने के लिए आपको बताया गया है कि 8 लाइन की पेंसिल्स जो हैं वो आपको ख़रीद लेनी है, और ये जो है इसमें 6 पेंसिल का सेट है जो कि आपकी HB 2B 4B 6B 8B और 10B पेंसिल हैं। इन्हीं के उपयोग के द्वारा बच्चों शेडिंग का वर्क करना है, क्योंकि इनसे जो है वो शेडिंग वर्क बहुत ही अच्छा होता है। इनकी नोक जो देखिए आपको दिख रही होंगी बच्चों, थोड़ा एक पतली होगी, फिर इस तरह से करते करते धीरे धीरे करके जो है वो मोटी होती जा रही है। साथ ही इनकी शेडिंग वर्क भी इसी तरीके से है। तो जो HB है वो लाइट सेटिंग के लिए है। इसके बाद जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उनकी जो डार्कनेस है वो बढ़ती जाएगी। तो आज हम सीखेंगे बच्चों फलों में शेडिंग किस तरीके से करनी है। तो फलों में शेडिंग में बच्चों आज हम सीखेंगे शरीफे में हमें शेडिंग कैसे करना है, उसका चित्र कैसे ड्रा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम HB पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये HB पेंसिल है, देख रहे होंगे बच्चों आप, तो ये HB पेंसिल का यूज़ करते हुए हमें सबसे पहले जो है वो शेडिंग का वर्क जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले उसे ड्रा करना है। तो चित्र देखेंगे हम कि इसकी आकृति, शरीफे की आकृति कैसी होती है, गोलाकार दिख रही है। तो आप एक वृत्त बना करके भी, जैसे कि पहले की वीडियो में बताया जा चुका है कि अगर वो आकृति गोलाकार है तो आप एक गोला प्रकार की सहायता से या कंपास की सहायता से एक गोला बना लीजिए, उसके अंदर ही आप अपना चित्र ड्रा करिए। इससे आपका चित्र इधर उधर भागेगा नहीं और शेप जो है वो थोड़ा सही आएगा, ठीक है। तो आप चित्र बनाने के लिए एक गोला प्रकार की सहायता से आप जो है वो एक गोला खींच लीजिए, उसके अंदर ही उसको ड्रा करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि ये यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एक गोला जो है वो बना लेना है, ड्रा कर लेना है, और इसके बाद जो है उससे आपको शेप देने में आसानी होगी, उसी के अंदर आप शेप दे पाएंगे। अब आपको HB पेंसिल की सहायता से शेप बनाना है, क्योंकि शरीफे के शेप में जो है वो गोलाकार होता है और छोटे छोटे से ऐसे टेढ़े मेढ़े से ब्लॉक रहते हैं। तो ये आप जो है स्टार्ट करते, यहाँ जैसे स्टार्ट किया, फिर इसके बाद ऐसे करके, ये आप ऐसे कर करके अपने हिसाब से जो है इसको आप बना सकते हैं। इसका पैटर्न जो है आपके दिमाग में रखते हुए ऊँचे नीचे से एक दूसरे जोड़ते हुए जो है वो इस तरीके से आपने चित्र ड्रा कर लिया। अब बात आती है शेडिंग की। चूंकि हमने आउटलाइन जो है वो किससे की है, अभी HB पेंसिल से की है, और हमारा गोला भी बना हुआ है। तो जब हमारा चित्र का शेप सही आ जाए बच्चों, तो इसे रेजर की सहायता से साफ सुथरा कर देना है, यानी मिटा देना है, और जो हमारा शेप उभर के आएगा वो ये रहेगा। आउटलाइन जो है बच्चों, यहाँ पर जो है आप इसके लिए दूसरी HB पेंसिल यानी 4B पेंसिल का यूज़ करिएगा। ये 4B पेंसिल की सहायता से बच्चों, ये आपको दिख रही होगी 4B पेंसिल, इसकी सहायता से बच्चों आपको क्या करना है, हमारा चित्र जो है उसकी आउटलाइन ड्रा करनी है, जो कि थोड़ा सा डार्क आएगी, आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है डार्क आई। अब इसके बाद क्या करना है, इससे भी डार्क पेंसिल आपको लेनी है, 6B पेंसिल लेनी है, या 8B भी ले सकते हैं। उसकी सहायता से थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर जो है शेडिंग का वर्क करना है, ठीक है। शेडिंग का वर्क आपको स्टार्ट करना है। शेडिंग करते समय ध्यान दीजिएगा, पूरा एक तरफ से शेडिंग नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है आपको, जो आउटलाइन आपने बनाई है उसकी तरफ से ही शेडिंग करनी है, ठीक है। हमने आउटलाइन की तरफ जो है वो थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर दी है, और थोड़ा सा पार्ट जो है आपको पूरा वाइट भी छोड़ना है, जिससे शेडिंग उभर के आए। बीच वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हैं कि बीच में शेडिंग कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे शेडिंग वर्क कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने शेडिंग वर्क किया, दिख रहा है आपको बच्चों ना, तो इस तरीके से हमने बीच में शेडिंग वर्क कर दिया, और यहाँ आउटर वाला पार्ट जो है वो क्या करना है आपको, खाली छोड़ना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चित्र और शेडिंग वर्क कंप्लीट हुआ। तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अपना चित्र ड्रा करना है। साथ ही बच्चों क्या करना है आपको, शेडिंग भी जो है वो बहुत ही सावधानी से करनी है, और शेडिंग को मिलाने के लिए आप रुई का प्रयोग भी कर सकते हैं या टिश्यू पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने शेडिंग वर्क कर लिया, अगर आपको लग रहा है कि आपको पेंसिल के निशान समझ में आ रहे हैं, या आपने अगर थोड़ा गड़ा करके कर दिया है शेडिंग, तो उसको हल्का करने के लिए आप रब करने के लिए थोड़ा सा टिश्यू पेपर या रुई का इस्तेमाल करके आप अपना शेडिंग वर्क फाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने शरीफे में किस तरीके से शेडिंग की जाती है ये सीखा। तो अगर बच्चों समझ में आया हो आपको, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है आर्ट की एकदम निःशुल्क है, जो आपकी सिलेबस के अनुसार है, तो आप भी इसको देखिए, और साथ ही दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।